वेलकम टू शॉर्टकट चिल्ड्रन। आज हम सीखेंगे हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण के बारे में। हमारा चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण। अब सबसे पहले हम भाषा के बारे में थोड़ा सा जान लें। अब भाषा एक ऐसा साधन है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, यानी कि अगर भाषा ना हो तो हम एक दूसरे की बात समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो इस कारण से भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है, यानी कि हमारे विचार जो एक्सचेंज किए जाते हैं एक दूसरे के साथ, इस साधन को हम भाषा कहते हैं। आप समझ सकते हैं जब भाषा का इन्वेंशन नहीं हुआ था, यानी कि भाषा जब नहीं थी उस समय पे हम लोग कैसे बातचीत करते होंगे। प्राचीन समय में हम लोग इशारों के द्वारा बातें करते थे। दूसरा है हमारा लिपि, उसको लिखने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं जिसमें वो लिखी जाती है, जिसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। इसको हम कहते हैं लिपि। लिपि जैसे कि भाषा, जैसे हमारी संस्कृत भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, पंजाबी भाषा है, या कोई भी भाषा जो है उसको लिखने के लिए लिपियां अलग अलग होती हैं, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा है हमारा व्याकरण। व्याकरण मतलब इनको सबको सही तरीके से बोलना लिखना, इसको हम कहते हैं व्याकरण। अगर व्याकरण ना हो तो हम इनको ठीक तरीके से लिख नहीं पाएंगे। तो भाषा को करेक्टली बोलने के लिए, इसको लिखने के लिए हमें व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अभी देखते हैं हम इसको, इस चैप्टर में आपके दिया क्या गया है। अब यहाँ पर दिया गया है मौखिक और लिखित। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। मौखिक मतलब जो बोल के पढ़ा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसको कहते हैं मौखिक, यानी कि मैं बोल रहा हूँ, हमारा सिर्फ आदान प्रदान हो रहा है वाया ओरली, यानी कि हम लोग ओरली बात कर रहे हैं, मुख से बात कर रहे हैं, तो इसको मौखिक कहा जाता है जब बात बोलकर की जाती है और आप लोग सुन रहे हैं तो आप मेरी बात समझ रहे हैं। दूसरा होता है लिखित, जब मैं लिख रहा हूँ, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं शिक्षिका जो है वो बोर्ड पे लिख रही है, उन्होंने लिखा है समय सारिणी। तो ये जो लिखा है अब बच्चे उसको पढ़कर समझ रहे हैं कि मैडम क्या लिखना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है। तो इन दोनों को हम कह सकते हैं भाषा के दो रूप, पहला होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। अब देखिए भाषा की यहाँ पर बहुत सरल सी डेफिनेशन दी गई है, मन के भाव। मन के भाव मतलब हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, हम जब उन विचारों को, भावों को, उन फीलिंग्स को दूसरे तक पहुँचाते हैं और उसके विचार हम सुनते हैं, आदान प्रदान मतलब लेना देना, यानी कि एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। तो जब एक्सचेंज किया जाता है इसी को हम कहते हैं भाषा, लैंग्वेज। भाषा के दो रूप जो कि हम ऊपर समझ चुके हैं, एक है मौखिक एक है लिखित। मौखिक जब मुंह से बोलकर भाषा अपने भावों को प्रकट किया जाता है और दूसरा व्यक्ति जो सुनकर हमारी बात को समझता है, इसको कहते हैं मौखिक भाषा। जैसे कि आप जब कहानी सुनते हैं या कोई चीज़ सुन रहे हैं उसको हम कहेंगे मौखिक भाषा। दूसरा है हमारा लिखित भाषा। अब लिखित भाषा कौन सी है? जब हम लिखकर, जो कहने वाला है वो अपने भावों को लिखकर प्रकट करेगा और सुनने वाला, यानी कि जो उसको समझना चाहता है वो पढ़कर उसको समझ जाएगा, इसको हम कहते हैं लिखित भाषा। लिखित का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि जब लिखा जाए और सामने वाला उसको पढ़कर हमारी बात को समझ जाए, इसको कहते हैं लिखित भाषा। अब भाषा का प्रयोग जो है वो हम बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए हर रोज़ के दिनचर्या के अंदर, क्योंकि भाषा के बिना हम अपने एक दूसरे के साथ बातचीत करके अपनी बातें दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, इसलिए भाषा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम तीसरी भाषा के रूप में देखते हैं, तीसरी भाषा यहाँ पर दी गई है सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा क्या होती है? सांकेतिक भाषा, जो हिंदी में शब्द लिखा है संकेत, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं साइन लैंग्वेज। क्या कह सकते हैं हम? साइन लैंग्वेज। तो आप जानते ही हैं कि जब ट्रैफिक चौराहे पे जो पुलिस वाला होता है, आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये पुलिसमैन जो है किस प्रकार से अपने हाथों से इशारा करके लोगों तक अपनी बात पहुँचा रहा है। जब वो एक हाथ उठाता है एक तरफ तो उसका मतलब होता है कि तुम लोग रुक जाओ, और दूसरी तरफ से हाथ हिलाता है जाने के लिए तो इसका मतलब होता है जाओ। तो यानी कि जो है
यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाला जो है वो अपनी भाषा को, अपनी बात को किस भाषा के द्वारा हम तक पहुंचा रहा है, विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा इसी को कहा जाता है। लेकिन हम साइन लैंग्वेज का यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं, हम लिखित या फिर मौखिक भाषा का ही ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, हमारा टॉपिक है मातृभाषा। मातृभाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ है मात्र। मात्र मतलब इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मदर टंग, आप भी जानते हैं मदर टंग का मतलब होता है हमारी मातृभाषा, यानी कि हमारी जिस भूमि में जहाँ पर हम पैदा हुए हैं वहाँ की भाषा, तो इसको मातृभाषा कहा जाता है। इसके बाद एक और चीज़ इसमें आती है, वो है बोली। अब देखिए भाषा के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिल रही हैं। बोली जो होती है वो भाषा का स्थानीय रूप होती है। स्थानीय रूप का मतलब, जैसे आप अगर हम गुजरात में अभी जैसे रहते हैं तो गुजरात के अंदर जो मेन भाषा हम लोग बोलते हैं वो है गुजराती, तो गुजराती यहाँ की भाषा है क्योंकि वो पूरे गुजरात में ही बोली जाती है। लेकिन जब आप गुजरात के अंदर छोटे छोटे अलग अलग एरियाज के अंदर जाते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अंदर जाते हैं, क्या हो गया, तो जैसे गुजरात के अंदर हमने बात की कि गुजरात में काफ़ी सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, काफ़ी सारे बड़े बड़े इलाके, यानी गुजरात छोटा सा नहीं बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो हमें भाषा के अंदर थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम अभी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भाषा बोली जाती है उसको बोलते हैं कच्छी भाषा। ये कौन सी भाषा है, इसको हम कच्छी भाषा कहते हैं, जिसको हम जो बोलने में भी काफ़ी अलग है। जब आप सेंट्रल गुजरात में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक और भाषा सुनने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं चरोतरी। ये एक्चुअल में भाषा नहीं है, ये है बोली। इसकी मैं स्पेलिंग से यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा जानकारी रहे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे गुजरात के अंदर आप सेंट्रल गुजरात में जाएंगे तो चरोतरी लैंग्वेज आपको सुनने को मिलेगी, वहाँ पर आपको वो बोली बोलनी पड़ेगी। अगर आप साउथ गुजरात में जाते हैं तो साउथ गुजरात में जो भाषा, जो बोली बोली जाती है वो है सूरती। तो यानी कि गुजरात जो कि भारत का एक पार्ट है और एक स्टेट है, लेकिन वहाँ भी आप देख रहे हो कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है। तो ये जो छोटे छोटे एरियाज में जो भाषा बोली जाती है इसको हम बोली कहते हैं, इसको हम भाषा कहकर नहीं संबोधित करते हैं, इसको हम बोली कहते हैं। बोली क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये छोटे एरिया में बोली जाती है, ये पूरे स्टेट में नहीं बोली जाती है, छोटे एरिया में बोली जाती है, इसलिए इसको बोली कहते हैं। तो क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली मौखिक भाषा बोली कहलाती है। क्षेत्र विशेष मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर। आगे है हमारा भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली के अंतर ये है कि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा जो है वो बहुत लंबे एरिया में बोली जा सकती है, यानी कि बड़े एरिया में बोली जा सकती है, लेकिन बोली जो है वो सीमित जगह पर, बहुत ही लिमिटेड जगह पर बोली जाती है। भाषा में साहित्य रचना एवं ज्ञान का संग्रह होता है। भाषा के अंदर साहित्य रचना यानी कि लिटरेचर वगैरह जो होता है वो भाषा में लिखा जाता है, लेकिन बोली का साहित्य कथा या फिर लोकोक्तियों से लोकोक्तियों तक ही सीमित रहती है। यानी कि लेकिन भाषा के अंदर लिटरेचर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, वो सिर्फ बोली है जो वो साहित्य कथाओं तक ही सीमित रहती है, यानी कि उसमें जो रिटन वर्क है वो बहुत ही कम रहता है, लेकिन भाषा में वो ज़्यादा रहता है भाषा। अब हम आगे देखते हैं राष्ट्रभाषा के बारे में। हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, तो इस पर हमें गर्व भी होना चाहिए कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। और इसको संविधान के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो हर एक देश की एक भाषा होती है जिसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब भारत में बोली जाने वाली भाषाएं जो है उनके बारे में अगर हम देखना चाहें तो हम देखेंगे कि भारत के अंदर बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो बहुत सारी हैं। भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती हैं वो भी काफ़ी सारी हैं, जिनमें हम बात करें हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कोंकणी, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, बंगाली, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये बहुत सारी भाषाएँ हैं। अब लिपि के बारे में, भाषा मुख्य रूप से मौखिक होती है। भाषा जो होती है कैसी होती है, वो मौखिक, यानी कि बोलकर उसको समझाया जाता है, लेकिन लिखने के ढंग का विकास बाद में हुआ। सबसे पहले बोलना शुरू हुआ था भाषा का, फिर बाद में रिटन वर्क शुरू हुआ था,
भाषा के लिखने के लिए जिन चिन्हों का यूज़ किया जाता है उसी को हम लिपि कहते हैं। जो चिन्ह, जो स्क्रिप्ट इसको लिखने के लिए यूज़ की जाती है उसको हम कहते हैं लिपि। प्रत्येक भाषा के लिखने की व्यवस्था या लिपि अलग होती है, यानी कि हर एक भाषा को लिखने के लिए हम अलग अलग सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि अंग्रेज़ी जो है वो अलग तरीके से लिखी जाती है, हिंदी अलग तरीके से लिखी जाती है। हिंदी की लिपि जो है उसको देवनागरी कहते हैं और अंग्रेज़ी की लिपि को हम रोमन कहते हैं। देवनागरी लिपि में भारत की कई भाषाएं लिखी जाती है, जैसे कि आप बात करें संस्कृत, हिंदी जो है संस्कृत, कोंकणी, नेपाली, मराठी, मैथिली, बोडो, ये सब भाषाएं जो हैं इनको, इनकी जो लिपि है वो देवनागरी ही है। लेकिन कुछ अन्य लिपियों के बारे में देखें तो उर्दू जो है उसकी लिपि फारसी है, पंजाबी की लिपि गुरमुखी, तेलुगु की तेलुगु ही है। इसी प्रकार अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, जर्मन आदि ये भी विश्व की भाषाएं हैं जो रोमन लिपि में लिखी जाती है। ये सब भाषाएं कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं? रोमन लिपि में। चलिए अब देखते हैं हम व्याकरण के बारे में, व्याकरण क्या है। अब आप जानते हैं कि जो ये हमने भाषाओं के बारे में पढ़ा अभी तक, इन भाषाओं को हमने लिपि के बारे में पढ़ लिया कि कैसे इसको लिखा जाता है, लेकिन इसको लिखने का एक प्रॉपर वे होता है, आप इसको किसी भी तरीके से नहीं लिख सकते हैं। इन चिन्हों को, निश्चित चिन्हों की व्यवस्था की जाती है प्रॉपरली, यानी कि इसको प्रॉपरली एक तरह से अरेंज किया जाता है, तभी हम इसको प्रॉपरली लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं। तो इसी को व्याकरण कहा जाता है। इसको लिखने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। जैसे हम इसको अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। यानी कि अगर आपको ठीक से बोलना है, ठीक से लिखना है या फिर ठीक से पढ़ना है, तो इन तीनों के लिए ही हमें कुछ रूल सीखने पड़ते हैं जो कि ग्रामर से हमको मिलते हैं, जिसको हम हिंदी में व्याकरण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को सही तरीके से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। व्याकरण के नियम का बंधन भाषा की अशुद्धता को बनाए रखता है, शुद्धता को बनाए रखता है। यानी कि व्याकरण अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो भाषा है वो शुद्ध रहती है, भाषा एकदम परफेक्ट रहती है। इसका शुद्ध रूप होगा आपकी पुस्तक बहुत, जैसे यहाँ पर दिया गया आपका पुस्तक बहुत अच्छा है। अब एक्चुअल में ये जो सेंटेंस लिखा गया, वाक्य जो लिखा गया है, ये हमें समझ तो आ गया है। इसमें लिखा है आपका पुस्तक बहुत अच्छा है, यानी कि कहने वाला कह रहा है कि आपका जो पुस्तक है, जो पुस्तक आपके पास है वो बहुत ही अच्छी है। हमने समझ लिया बात को, लेकिन एक्चुअली ये भाषा का शुद्ध रूप नहीं है। जब इसको लिखना है तो हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? आपकी पुस्तक बहुत अच्छी है। तो ये इसका प्रॉपर वे है लिखने का। तो इस तरह के हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से कोई भी चीज़ हम जब लिखने जाते हैं तो समझना उसको मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको सही तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी है। आगे हम देख रहे हैं व्याकरण के, व्याकरण ही भाषा का आधार है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्याकरण जो है वही बेस माना जाता है भाषा का। अगर व्याकरण ना हो तो भाषा प्रॉपरली नहीं चल पाएगी। अब व्याकरण के कुछ अंग बताए गए हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। अब वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के बारे में विचार किया जाता है, यानी कि जिसमें वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है, विचार किया जाता है, उसको हम बोलते हैं वर्ण विचार। शब्द विचार जिसमें शब्दों के बारे में जाना जाता है, शब्दों के बारे में विचार किया जाता है। तीसरा है हमारा वाक्य विचार, इसमें वाक्यों के विषय में विचार किया जाता है, इसको हम कहते हैं वाक्य विचार। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ग्रामर से रिलेटेड, जिसका नाम था भाषा, लिपि और व्याकरण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।